इनका जो सच्चाई है पर्दाफाश होगा। बंदूक तोप तो चलाया नहीं जाता, भीड़ है ही, भीड़ जनता की ताकत से ही इन चीज़ों का जवाब दिया जाता है। वोट से सरकार चुन के आती है, वोट से सरकार गायब की जाती है। आज एक स्वतंत्र पत्रकार सही बोलने वाले को जेल में भेज दिया जाता है, ये क्या ये संविधान बचा हुआ है? किस हद तक ख़त्म किया गया है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। निजीकरण के माध्यम से नौकरी ख़त्म किया, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्पसंख्यक ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका हमें विरोध करना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नूरजहां और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदित राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी को लेकर हम बात करेंगे, किस मकसद से इन्होंने करी थी, क्या मकसद था आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सिविल सोसाइटी के द्वारा एक रैली हुई, परिसंघ तमाम जो अल्पसंख्यक पिछड़े सेकुलर माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है सभी लोग इकट्ठा होकर के हम अपनी मांगों के ऊपर वहाँ पर आक्रोश व्यक्त करेंगे कि जाति जनगणना होना चाहिए, पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए और निजीकरण के माध्यम से नौकरी ख़त्म किया, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्पसंख्यक ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका हमें विरोध करना है। पुरानी पेंशन को लेकर इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ है रामलीला मैदान में, लाखों की तादाद में लोग आए थे, उस टाइम तक तो सुनी नहीं गई। वो हमारी भी मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 1 अक्टूबर को रैली हुई थी, एक रैली से काम नहीं होगा, 2, 3, 4 होनी थी, जितना ज़्यादा किया जा सके। उनका भी हम आह्वान करते हैं कि 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आए। जो आप संविधान बचाओ रैली निकालने वाले हैं, तो मतलब उसकी क्या रणनीति, किस तरीके से बचाएंगे आप संविधान? बंदूक तोप तो चलाया नहीं जाता, भीड़ है ही, भीड़ जनता की ताकत से ही इन चीज़ों का जवाब दिया जाता है। वोट से सरकार चुन के आती है, वोट से सरकार गायब की जाती है, तो इतनी बड़ी संख्या जब आएगी जनता की तो उसका पूरा देश के अंदर चर्चा होगी, विचार में बदलाव होगा, इनका जो सच्चाई है पर्दाफाश होगा। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में संविधान को खतरा है, बच नहीं पा रहा है? बहुत हद तक ख़त्म कर दिया। आज एक स्वतंत्र पत्रकार सही बोलने वाले को जेल में भेज दिया जाता है, ये क्या ये संविधान बचा हुआ है? किस हद तक ख़त्म किया गया है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ उदित राज जी, जो 5 तारीख को एक रैली करने वाले हैं, संविधान बचाओ रैली, उसी के लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि संविधान खतरे में है भाजपा की सरकार में। तो इस पूरी बातचीत में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।